हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना, और आप लोगों के लिए ख़ास स्पेशल वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें मुंबई का हाजी अली दिखाएं। तो चलिए, आज आपके लिए ख़ास व्लॉग लेकर आई हूँ। और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच करना। सो फ्रेंड, ये है मुंबई का मनीष मार्केट, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने यहाँ का आपको वीडियो भी दिखाया हुआ इससे पहले मेरे चैनल पर। और ये है गुलशन ईरान होटल, जो कि मैंने यहाँ पर खाना खाया था, वो भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है मुंबई सिटी व्लॉग में मेरे, जाकर चैनल पर ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, हमारा जो ड्राइवर था तो वो बहुत अलग अलग एरियाज हमें लेकर जा रहा था, जबकि हम हाजी अली कभी ऐसे रास्ते से नहीं गए हैं, और ये एकदम अलग रास्ता हमारे लिए था और काफ़ी लेट हुआ। तो यहाँ पे एक डॉगी देख सकते हैं, जो कि शाकिब ने इसे देखा तो कहा मम्मी इसे मैं शूट कर लूँ कैमरे में। तो मैं बोली हाँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए उसने शूट किया इस डॉगी को। और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा, और यहाँ पर बैठे हैं शाकिब। तो शाकिब और सैफ, यानी मेरे छोटे बेटे का नाम है सैफ, तो ये भी गए थे हमारे साथ, और बड़े वाले शोएब नहीं गए थे। सो फ्रेंड, ये है हाजी अली के पास में महालक्ष्मी मंदिर। तो ये मंदिर हाजी अली के पास ही पड़ता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मैं बहुत थक गई थी गाड़ी में बैठे बैठे, मुझे तो नींद आने लगी थी, और मेरे नींद के टाइम पर ही मैं हाजी अली गई थी कि 3-3:30 बजे हम लोग सोते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हाजी अली जूस सेंटर। तो फाइनली हाजी अली हम पहुँच चुके हैं, और हाजी अली का ये बाहर का एरिया है। तो बहुत ही अलग रास्ते से हम गए थे, जो कि हमने कभी भी ऐसे रास्ते से नहीं गए, और बहुत परेशान कर दिया था ड्राइवर ने, घुमा घुमा कर। तो ये है हाजी अली जूस सेंटर। अब हम पहुँचेंगे हाजी अली। तो इंटर कर चुके हैं हाजी अली के अंदर। तो अंदर क्या है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या क्या है।
सो फ्रेंड, 3 साल के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है और हाजी अली में बन रहा है बहुत बड़ा ब्रिज, समंदर के अंदर ब्रिज बना रहे हैं। इससे पहले हाजी अली में ब्रिज नहीं बना था तो सारा पानी पानी था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो है ज़मीन पर सब लोग अपना अपना सामान बेच रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा बेटा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी भीड़ वगैरह थी, रश वगैरह बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर इन्होंने रास्ता बना दिया है, पहले यहाँ पर समंदर था और यहीं पर ब्रिज बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पानी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर ब्रिज बना दिया है। वैसे मुंबई में बहुत सारे ऐसे ब्रिज बने हुए हैं समंदर के अंदर। और ये देख सकते हैं हाजी अली के समंदर का इलाका यानी कि एरिया। और हम पहुँचे थे यहाँ पर 5:30 बजे हम पहुँच गए थे और सूरज डूबने वाला था तब हम पहुँचे हैं। और मैंने सोचा अगर हम लेट पहुँचेंगे तो हमारा वीडियो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज डूब रहा है और ये देख सकते हैं हाजी अली के खूबसूरत नज़ारे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, बहुत हवा चल रही थी और मेरा बुरखा उड़ा जा रहा था। सो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाजी अली के पास यानी कि नज़दीक पहुंच चुके हैं। और इससे पहले मैं आई थी यानी कि 3 साल पहले आई थी तो कुछ भी बदला नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और ये देख सकते हैं कि आप हाजी अली का गुंबद, और यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे हाजी अली में क्या हो रहा है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या दिखाया है। तो शाकिब लेने गए हैं चादर, और चादर हम चढ़ाएंगे हाजी अली में। और हाजी अली में काम भी चल रहा है दरगाह का। और ये देख सकते हैं हाजी अली में बहुत सारे लोग आते हैं, हर रोज़ इतने सारे लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं। सो फ्रेंड, हाजी अली अब नए तरीके से बनेगा, क्योंकि जो पहले बना था तो वो सारी चीज़ें हटा रहे हैं और नए तरीके से हाजी अली को बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हाजी अली की दरगाह, आगे और देखिएगा, बहुत नज़दीक से दिखाया हुआ है, यहाँ से मैं दूर से मैंने आपको दिखाया है। तो ये देख सकते हैं सारा काम चल रहा है हाजी अली का। और यहाँ पर शाकिब फूल लेकर आए हैं और चादर चढ़ा कर आए हैं। तो शाकिब चादर चढ़ाने गए थे, और यहाँ पर आप मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं। और ये लोग भी बहुत टाइम के बाद आए हैं, और यहाँ पर ये लोग लाने गए हैं खाने पीने का सामान। तो ये एक ही शॉप है जो यहाँ पर खाने पीने का सामान मिल रहा है।
सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि दरगाह बहुत खाली खाली सी लग रही है। अब जब बन जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर अब हम चलेंगे ऊपर, और इन लोगों ने खाने पीने का सामान ले लिया है। और ये है थर्ड फ्लोर का एरिया, यानी कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये बनाया है, पहले से ही बना हुआ है। तो लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगता है, लोग आकर बैठते हैं और बहुत हवा आती है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप हाजी अली का नज़ारा। तो मैंने ऊपर से ये सारा शूट किया था, और यहाँ पर सारी चीज़ें दूर दूर तक नज़र आ रही हैं। और नीचे जो फ्लावर्स की दुकान है, शॉप है, तो वो आपको देख सकते हैं आप। और यहाँ पर नीचे का एरिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि ये लोग अब जा रहे हैं, और यहाँ पर आप हम लोगों को भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और शाकिब को समंदर में जाना था वो फूल वगैरह फेंकने के लिए, तो वो सब हमने फेंकवा दिए थे। और मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि मुझे पानी में जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पानी में मत जाना, नहीं तो डूब जाओगी तुम। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर वगैरह बहुत सारे थे, कि हम लोगों को चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हुआ। तो ये बैक साइड का एरिया है, और बैक साइड के सारे नज़ारे आप देख लीजिए हाजी अली के। तो जो लोग गांव में रहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग हाजी अली कभी नहीं आए हैं, तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए आप लोग इन्जॉय करें इस हाजी अली को। और हम लोग बैक साइड में ही खड़े थे, और शाकिब को भेज दिया था फूल ठंडे करने के लिए, जो घर में हम लोग कभी चादर वगैरह चढ़ाते हैं अपने टुकड़ों पे, तो वही थे। और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, तो भाई बड़ी हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी, और मेरे कपड़े भी सब उड़े जा रहे थे। और ये देख सकते हैं सारे लोग अपनी सेल्फी वगैरह निकाल रहे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे से सब दिख रहे हैं। तो आज पानी बहुत कम था, कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हाजी अली बंद भी करना पड़ता है, तब एंट्री नहीं देते हैं अंदर आने के लिए। तो ऐसा पानी कम रहेगा तो सभी लोग आते हैं। और ये देख सकते हैं आप हाजी अली का समंदर और बहुत सारी बिल्डिंगें। तो मेरा बहुत मन था पानी के अंदर जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मत जाना, नहीं तो तुम डूब जाओगी। ये ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं। और शाकिब आ चुके हैं फूल डालकर पानी के अंदर, शाकिब को भेज दिया था, लेकिन मुझे जाने इन्होंने नहीं दिया था। आप यहाँ पर मुझे भी देख सकते हैं और शाकिब को, तो हम लोग के हाल बहुत बुरे हो गए हैं हवे में खड़े रह रहकर। और ये देख सकते हैं हस्बैंड को हमारे, अब हम सोच रहे हैं घर जाने के लिए, तो घर अभी नहीं जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। मुंबई टूर अभी आपका बाकी है, अभी जितना आज हमने दिखा दिया हाजी अली, इसके अलावा यानी नेक्स्ट वीडियो में
और भी कुछ आपको हम दिखाएंगे कि हम कहाँ और गए थे। और ये देख सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, और नीचे जब पानी में जाते हैं तो बहुत पत्थर नोकीले होते हैं, तो वो पैर में लगने का भी डर होता है। और ये देख सकते हैं समंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम चलेंगे, थोड़ा और कहीं जाना है। और यहाँ पर मुझे भी देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं इसमें फिश पड़ी हुई है, पानी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी कुली की, तो ये गुंबद वही है। और यहाँ पर आप हाजी अली भी देख सकते हैं, तो जो दुआ मांगेंगे ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह, आप ज़रूर दुआएं मांगे। सो फ्रेंड, अब अपने घर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर शाकिब को भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और कितनी भीड़ वगैरह है, और काफ़ी अच्छा लगता है हाजी अली में आकर। तो 3 साल बाद हम आए हैं यहाँ पर, लॉकडाउन के पहले आए थे। और ये फुहारा आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें लाइट वगैरह भी जलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा क्लीन कर दिया है इन लोगों को, बहुत साफ़ सफाई रहती है हाजी अली में, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, दिल को सुकून मिलता है। और यहाँ पर ये लोग चाय पी रहे हैं, और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।